सब्सक्राइब कीजिए ग्रो इंडिया चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ के साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना मत भूलना। हेलो दोस्तों, क्या हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे किसी भी पिक्चर को या आपकी खुद की फ़ोटो को हम एडिट कर सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरिजीत, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रोइंग ज्ञान पे। जी हाँ, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे किसी भी पिक्चर को या किसी फ़ोटो खुद की फ़ोटो को हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करके एक एक्सेल शीट के ऊपर, स्प्रेड शीट के ऊपर रख के उसको कैसे भी हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में, इस किसी एरो में, किसी सर्कल में, या फिर आप जिस भी शेप में आप लगाना चाहो उस पे, उस से शेप के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम तो सीधे आपको ले चलता हूँ मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब करते हैं हम कैसे हम आप पिक्चर को, एक फ़ोटो को कैसे एडिट करना है, उसको कैसे कलर वगैरह उसके चेंज करने हैं, या आपको ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट वगैरह उसमें कैसे चेंज करना है, तो वो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट मेन्यू पे जाके आपका ऑप्शन रहता है पिक्चर्स, थर्ड नंबर ऑप्शन रहता है पिक्चर्स का, पिक्चर्स टूल का, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जहाँ भी आपको, जहाँ भी जिस डायरेक्टरी में आपने अपनी फ़ोटो रखी है या कोई पिक्चर रखी है, आप जिसकी एडिटिंग करना चाहते हो, जिसको इंसर्ट करना चाहते हो अपनी शीट के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, या फिर अपनी खुद की पर्सनल कोई फ़ोटो है उसको आप चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, शेप में, किसी भी शेप में रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से इसको चूज़ करोगे अपनी डायरेक्टरी से। सिंपली मैंने यहाँ पे, मेरे पास एक सैम्पल पिक्चर पड़ी है तो उसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो, ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है स्प्रेडशीट पे। अब यहाँ पे ये साइज़ बहुत ज़्यादा है, मैं इसमें दो पिक्चर्स इंसर्ट करूँगा सेम, क्योंकि एक रखूँगा मैं जो एक्चुअल में जो हमारे पास पिक्चर पड़ी है, और दूसरी जिसको मैं एडिट करके दिखाऊँगा, एक डिफरेंस आपके सामने अलग से आपको साथ साथ दिखाऊँगा। तो अब इसका साइज़ मैं यहाँ से, आप देखोगे ये हर कॉर्नर पर एक सर्कल सा बना होता है, अगर कोने वाले सर्कल से आप इसकी मतलब साइज़ को ऊपर नीचे छोटा बड़ा करोगे, तो इससे क्या होगा कि जो एग्जैक्ट आपकी रेशियो है फ़ोटो की, वो वैसी मतलब उसी रेशियो में ये छोटी बड़ी होएगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा इतना छोटा कर देता हूँ, इसको यहाँ, इसको मैं रख लेता हूँ अपना राइट वाली साइड पे। अब एक और, या तो इसी की मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल बी करके सेकंड कॉपी बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको यहाँ से डिलीट करके दोबारा से इसको मैं इंसर्ट करूँगा। आप इंसर्ट पे जाके, पिक्चर पे जाके दोबारा एक और इंसर्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये ऐसे आपके पास एक और इंसर्ट हो जाएगी। अब इसको भी ऐसे रिसाइज करके यहाँ से इसको छोटा कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक और कैसे यहाँ पे टूल होता है जिसे आप बराबर, अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, मेरे को सेम जो मेरी दूसरी पिक्चर है उसी की हाइट और उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग लेके आनी है। तो उसको मैं कैसे करूँगा, यहाँ से आप एक एक ऐसे करते जाओगे तो आप एग्जैक्ट आपकी, देखो अभी यहाँ से मैंने एग्जैक्टली करने की कोशिश करी लेकिन हुई नहीं है। यहाँ पे देखो अभी इसकी मैं ये बिल्कुल के सामने रखता हूँ, तो आप देखोगे कि ये वाली जो अभी थोड़ी इसकी हाइट वाइज छोटी, मतलब वैसे भी छोटी है, तो इसको मतलब एकदम करेक्टली आपकी दूसरी पिक्चर के साइज की अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है। इसी आपके जब एक पिक्चर इंसर्ट करते हो तो इसके साथ साथ आपको फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है, एक नया फॉर्मेट मेन्यू, उसमें इसकी सारी फॉर्मेटिंग होनी है, इसमें सारी एडिटिंग होनी है। तो इसी पे ही फॉर्मेट टैब पे ही सबसे लास्ट में आपके राइट साइड देखो, सबसे राइट में हाइट एंड विड्थ करके दो ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे हम इक्वली इसको मैं 4 पे करूँगा तो इसकी विड्थ भी इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी। इसी को मैं सेलेक्ट करके यहाँ पे 4 इंचज़ पे रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे 4 से मैं इसको रख के एंटर करता हूँ। ये अब आप देखोगे तो ये एकदम एग्जैक्ट हाइट हो जाएगी, और एग्जैक्ट ही इसकी विड्थ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड यहाँ रखता हूँ। अब मैं करूँगा अपनी लेफ्ट वाली पिक्चर पे एडिटिंग। सबसे पहले आता है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस ऑप्शन, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है मेरे को, लाइट करनी है इसकी ब्राइटनेस, यहाँ बिल्कुल लाइट हो जाएगी। और यहाँ से अभी साथ के साथ यहाँ पे नॉर्मल पिक्चर आपकी राइट साइड में है और लेफ्ट में जिसके साथ मैं एडिटिंग, मैं इसको ऐसे करता हूँ, इसको मैं नॉर्मल पे रख कर, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं लेफ्ट राइट वाली को एडिट करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाली आपकी नॉर्मल रहेगी। तो यहाँ से इसकी जो ब्राइटनेस है कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने ये लाइट सी कर दिया है। अब इसकी कॉन्ट्रास्ट देना है, कॉन्ट्रास्ट में इसको मतलब जो एक तिखापन होता है वो चीज़ आपको यहाँ शार्पनेस जो होती है वो कह सकते हैं आप, तो यहाँ से इसको मैं शार्पनेस दे रहा हूँ। अब इसके साथ रीकलर में आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट ऑलरेडी पड़े होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी कलर चेंज कर, यहाँ पे थोड़ा सा ये डार्क कलर सा ब्लू सी शेड में आ रहा है,
यहाँ से थोड़ा रेडिश उसमें शेड में, ये थोड़ा येलोइश शेड में, यहाँ पे थोड़ा हल्की और लाइट लाइट कलर, ये लाइट कलर से हो जाएंगे। सो मोर वेरिएशन भी मिलेंगे यहाँ पे आपको। यहाँ पे जो कलर अप्लाई करना, तो यहाँ पे क्लिक करके सिंपली यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कंप्रेस पिक्चर, इसका पिक्चर का साइज़। अब पिक्चर का साइज़ आपको इसी कंप्रेस लिए, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं, कोई बैंकिंग का फॉर्म भरा है हमने तो, या कोई दूसरे टेस्ट वगैरह भरते हैं, तो उसके लिए हमें एक जो हमारी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगती है उसमें एक साइज़ मेंशन किया होता है ऑनलाइन, जब भरते हैं तो ऑनलाइन अपलोड करना होता है, तो उसमें कुछ कंप्रेस का साइज़, क्योंकि हमारा नॉर्मल पिक्चर कैमरा की पिक्चर आजकल के नॉर्मल अगर 10,000 फ़ोन भी लोगे तो उसकी भी पिक्चर आपकी 2 या 3 MB से ऊपर ही जाती है, एक नॉर्मल फ़ोटो भी आपकी, तो उसको कैसे कंप्रेस करना, तो यहीं से आपको वो कंप्रेस, यहाँ से आपको ये कंप्रेस वाला जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ से क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे, तो ये आपका मतलब पिक्चर के जैसे भी यहाँ पे सेटिंग इसकी अलग से ओपन हो जाएंगी। मैं यहाँ से कंप्रेस पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑप्शन पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास आप कौन से इस पे रखना है, आपको ये पेंट 220 PPI पे रखना है, स्क्रीन PPI पे रखना है, या उससे भी कम, या मेल में किसी में, या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना, तो उसी के लिए यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये साइज़ उसका कंप्रेस कर देगा। उसको मैं कैंसिल करता हूँ, उसको कैंसिल कर रहा हूँ। अभी इसके बाद आता है चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर ये सिंपली आप यहाँ पे एक और पिक्चर चेंज कर सकते हो, पिक्चर को चेंज करना है, जो सिलेक्ट करिए ये हट जाएगी, उसके दूसरी पिक्चर आ जाएगी। अब इसी के साथ रहता है रिसेट पिक्चर। रिसेंट में जो आपकी एज एक्चुअल जो पिक्चर स्टार्टिंग में थी वही आ जाएगी, जैसे ये मेरी जो लेफ्ट में जो पिक्चर है ये एक्चुअल में पिक्चर है, और जो राइट वाली इसको मैंने एडिट करा है, तो जो रिसेट पे करूँगा तो ये नॉर्मली जिस साइज़ के यहाँ पे मैंने अपलोड करी थी उसी साइज़ पे ये आ गई है, और कलर जो मैंने इस ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट वगैरह करा था वो सब कुछ हटके वापस नॉर्मल उसमें कलर्स में नॉर्मल पोजिशन में आ जाइए, फर्स्ट वाली जहाँ से जो ओरिजिनल पिक्चर थी उसी में आ गई है। इसको वापस यहाँ पे फोर कलर के साइज़ वापस ले आता हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद क्या रहता है, अब इसी को राइट वाली पिक्चर को मैं एडिट करूँगा। अब यहाँ पे आते हैं पिक्चर स्टाइल्स। पिक्चर स्टाइल्स में मतलब अलग अलग टाइप के फ्रेम लग जाएंगे, इसको 3D लुक में आ जाएगा, इसको शेडो आ जाएगी। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है इसमें अब देखोगे थोड़ा सा इसमें ये फ्रेम सा थोड़ा 3D सा बन गया, थोड़ी सी यहाँ पे शेडो भी ड्रॉप हो गई है, तो थोड़ा सा ये 3D सा लग रहा है, बुरबरी सी पिक्चर लग रही है। वापस सेलेक्ट करूँगा, अब यहाँ पे थोड़ा और इसको फ्रेम के अंदर कर लेगा। अभी यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसकी फ्रेम तो नहीं लगेगी लेकिन शेडो आ जाएगी उभरा हुआ, लेकिन 3D का लुक, 3D सा लुक आएगा आपका। अभी इसमें क्या है, अभी अगले वाले में क्या रहेगा, आपके जो एजेस हैं वो आपके रेडिश में आ गए, थोड़े कलर ग्राउंड में आ गए, तो मतलब अभी फर्स्ट वाली में क्या थे, एक मतलब कॉर्नर इसके बिल्कुल शार्प थे। अब इस वाली ऑप्शन पर इसके शेडो के साथ साथ ये नीचे इसके शेडो भी, अब देखोगे शेडो नीचे ड्रॉप करके शेडो आ रही है साथ साथ, ये हल्की सी यहाँ पे हल्की सी शेडो आपकी पिक्चर्स की साथ साथ दिख रही है। अभी ऐसे ही आगे मैं इसको वापस सिलेक्ट करता हूँ, फोरवर्ड पे चलता हूँ, यहाँ पे ये अलग अलग फ्रेम ब्लैक करके पिक्चर का साइज़ वैसे ही इसके ओवरले ऊपर पे इसको फ्रेम कर दूंगा, यहाँ पे और फ्रेम लग जाएगी अलग से। इसको सर्कल की फॉर्म लेना है प्लस एक थोड़ा सा एक स्ट्रोक आपको साथ में मिल रहा है, तो ये इसके यहाँ से आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको मतलब फ्रेम है अलग अलग है, यहाँ पे अलग अलग से आपको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे यह देखेंगे ये 3D, ये थोड़ा सा 3D में आप देखोगे कि मोटा मोटा मतलब ये 3D सी इसमें वो एक बन गई है, कि मतलब एक ऑब्जेक्ट सा है, ये एक पिक्चर नहीं, एक ऑब्जेक्ट लगी, जैसे ट्रे होगी या टेबल क्लॉथ ट्रे जैसा कुछ लग रहा है। अभी यहाँ पे देखिए ये 3D हो रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है। इसी में बस ये 3D वाले में यही डिज़ाइन, इसमें आगे ये शेडो 3D के साथ फ्रेम के साथ शेडो है, यहाँ पे इसको सर्कल में ले के इसके साथ से फ्रेम वगैरह लग के एक, एक जैसे वॉच होती है वो मतलब दीवार की घड़ी होती है उसके जैसे बन जाएगा ये। अभी ऐसे काफ़ी ज़्यादा ये रहते हैं, अब इसको वापस में रिसेट पे लेके आऊँगा तो ये फॉर्मल जो एक्चुअल में जो साइज़ इसका था और जो जो एक्चुअल में कलर थे सारे वो सही यहाँ पे आ जाएंगे। अब इसको मैं इसको कलर में चाहिए यहाँ से इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर दिया। अब इसको वापस रीसेट कर देता हूँ, अब इसको वापस यहाँ पे जो मैंने नॉर्मल साइज़ लिया दोनों का वो सेम कर दिया राइट पे। अब मैं चलता हूँ, अब मैं इसको राइट वाली को ना छेड़ के लेफ्ट वाली पे एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि अब मैं राइट वाले ऊपर राइट वाले जो टूल्स हैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, तो अब वहाँ पर मैं करूँगा तो आगे से राइट वाले टूल ड्रॉप डाउन जैसे लिस्ट खोलेगी तो ऐसे ही आपके यहाँ पर साथ साथ यहाँ पर आ जाएगी, तो ये आपको विजिबल नहीं रहेंगे। तो अब मैंने लेफ्ट वाली को सिलेक्ट कर लिया, अब लेफ्ट वाली बैटरी करूँगा, राइट वाली को एज इट इज़ वैसे ही रखूँगा। अब ये है हमारा शेप,
ये हमारा बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सर, एक जैसे कि मैं बता रहा था कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि जैसे आपको किसी भी पिक्चर्स को शेप में कैसे रखना है, आपको इस शेप का बैकग्राउंड कैसे बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग, जैसे ही यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल, तो सीधे अभी तो है ये एक रेक्टेंगल शेप में, इसको सर्कल की शेप में लेना है, तो सिंपल ऐसे एक सर्कल शेप में आ जाएगा। अब इसी में और भी शेप शेप्स वगैरह हैं, जैसे यहाँ पे एक ये वाली शेप है, अष्टभुज कह सकते हैं हम इसको, अष्ट 1 2 3 4 5 6 सप्तभुज, सॉरी ये सप्तभुज है, मतलब हिंदी में सप्तभुज है, इंग्लिश में इसका मेरे को तो अभी नॉलेज नहीं है। अब इसके बाद ये अलग अगली दूसरे वाले देखोगे तो ये क्या करेगा, एक फ्रेम बना देगा। अब फ्रेम एक्चुअल में फ्रेम लगी, यहाँ पे जो फ्रेम वाला है वो आपका एक पिक्चर के साथ भी आ जाएगा, और बीच में आप अपनी कोई भी फोटो, अपनी पर्सनल फोटो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब इसके बाद अगला देखें, शेप तो काफ़ी ज़्यादा है, एक ड्रम सा, रोल सा, अब इसकी शेप में भी पिक्चर बिल्कुल उसी राउंड में, एक मतलब एक ड्रम के उसी शेप में इसको चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक लूँ एक स्माइली, स्माइली में देखो, स्माइली में भी मतलब थोड़ा सा जो आईज है स्माइली की, या वो थोड़ी सी हाईलाइट कर दी है इन्होंने, मतलब थोड़ा हाईलाइट कर देता है ये, तो ये स्माइली की शेप में आ जाएगी। अभी यहाँ पे एरो, एरो की शेप में, ये तो बिल्कुल आपको एरो की शेप में कैसे इंसर्ट करने एक पिक्चर, अब मतलब एक एरो का बैकग्राउंड आपने पिक्चर बना दिया, पिक्चर को एरो के बैकग्राउंड में लगा दिया, मतलब इतना अच्छे से एक्सेल में हम सब कुछ कर सकते हैं, ये हमें इसके लिए कोई एडिशनल ग्राफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है नहीं है। तो मतलब आप एक्सेल पे ही ये एरो के में बैकग्राउंड कैसे लगाना है, यहीं पे आप एरो के ऊपर बैकग्राउंड लग गया आपका, यहाँ पे आपके वो करली से एरो है राउंड में, और सर्कल रेडियस में है ये एरो, इसमें भी बैकग्राउंड बिल्कुल सही, मतलब कितना सही से इसमें ये एरो लग रहा है, मतलब ये एरो में पिक्चर लग रही है। अभी क्रॉस में देखोगे, क्रॉस में के उसमें क्रॉस की शेप में आ गई है पिक्चर। अब इसके बाद क्या रहता है, बॉर्डर। अब बॉर्डर कैसे ले आना है, यहाँ से सिंपल पिक्चर शेप के नीचे आता है वो बॉर्डर का ऑप्शन, यहाँ से अब कोई भी कलर का बॉर्डर लेके हम इसको ले सकते हैं, लेकिन पहले हमको क्या करना है, हमको सिर्फ नॉर्मल शेप पे रखना है। इसमें वापस रीसेट कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको मैं वापस साइज इसका 4 इंच का कर रहा हूँ। अब बॉर्डर लगाना है मेरे को, सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से बॉर्डर, कोई भी बॉर्डर आप जिसमें मर्जी कलर का आप ले सकते हो, मैंने ब्लैक कलर कर ले रहा हूँ जो कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। अब इस साइड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे हल्का सा ब्लैक दिख रहा है। अब इसमें और क्या क्या रहता है, अलग से आपको कितना कितना आपको साइज, कितनी थिकनेस चाहिए आपके बॉर्डर की, या फिर आपके बॉर्डर में एक ही सिंगल बॉर्डर हो या उसके ज़्यादा मल्टीपल मतलब हो बॉर्डर। तो यहाँ पे मैंने ये इसका जो वेट, इसको कहते हैं वेट, मतलब वेट यानी कि कितनी आपको विड्थ चाहिए बॉर्डर की, ये कितना आपको थिक चाहिए, तो यहाँ पे पॉइंट होता है पिक्सल से होते हैं, इसमें हाफ पॉइंट में ये 1/4 है, हाफ है, ऐसे करके सिंगल है, ऐसे 6 6 पॉइंट में आपको भाई ये बॉर्डर ब्लैक में, इसको आप ब्लैक कलर, कलर कैसे चेंज करना है, यहीं से आपका कलर आप चेंज कर दोगे। ये मैंने चेंज कर दिया इसका बॉर्डर, एक फ्रेम सा आपको लुक आ गया, 3D सा थोड़ा सा इसमें बन गया है। अब इसके बाद डैशेस, मतलब आप बॉर्डर को मतलब एक डॉटेड डॉटेड बॉर्डर इसमें आ जाएगा अलग अलग से, जिस भी आपको यहाँ पे अलग अलग आपको शेप मिल जाएंगे। मोर लाइन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे और भी आपको यहाँ पे अलग अलग, जिस मैंने कह रहा था डबल लाइन में डबल थिकन में वो चीज़ देनी है, तो यहीं पे आपको एक 3D लुक में आ जाएगा आपका यहाँ पे बॉर्डर, 3D सा आपको एक शेड दे रहा है यहाँ पे, उभरा हुआ सा लग रहा है। अभी यहाँ पे शेडो कलर फिल, फिल में आपको कौन से कलर से बॉर्डर फिल करना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर, तो ये ग्रीन कलर यहाँ से ओके करके इसमें अप्लाई हो जाता है, क्योंकि ये जो है बॉर्डर इसमें अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑरेंज कलर ले रखा हुआ है। तो अभी इसके बाद क्या रहता है, बॉर्डर कलर, तो यहाँ पे बॉर्डर कैसे लगाना है इस पे ऊपर वो लग जाएगा, ये आउटलाइन में, मोर आउटलाइन में और भी कुछ रहता है यहाँ पे अलग अलग सा, तो ये देखो आउटलाइन का कलर इसमें यहाँ पे चेंज हो गया, बॉर्डर तो मैंने लगा दिया था ब्लू अपना डॉटेड सा, मतलब ट्रिपल लाइन, 3 लाइनें थी इसमें, ऊपर वाली जो टॉप वाली थी वो पतली सी थी, और जो सेंटर वाली थी वो थिन थी, थिक थी थोड़ी, और जो थर्ड वाली है वो थिन थी, तो मतलब तो उसी जो आप यहाँ पे जो मैंने दूसरा कलर चेंज करा, तो यहाँ पे आप देखो मैंने पर्पल सा कलर लिया था, इसके मैं और चेंज करके ब्लू सा कर देता हूँ, तो ब्लू सा कलर इसमें लग गया है, तो बॉर्डर में बस इतना ही है। और पिक्चर इफेक्ट, अब पिक्चर इफेक्ट में क्या है, जैसे
अभी इसकी ये अभी शेप इसको चेंज करनी है, 3D लुक में मॉडल में करनी है। देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे आपको 3D ऑब्जेक्ट के जैसे आपकी पिक्चर बन जाएगी। अब मैंने पहले ग्रीन लिया था, तो वो अब ग्रीन लिया, वो ग्रीन साइज़ को आप देखोगे ग्रीन एक मोटी सी पिक्चर बन गई है। उसकी जो थिकनेस है वो मतलब काफ़ी देखोगे तो उसका साइज़ उसका बढ़ गया है। यहाँ पे अलग अलग आपको यहाँ पे 3D और डिज़ाइन मिल जाएंगे। शेडो में जाओगे तो शेडो में इसकी शेडो आपकी यहाँ पे नीचे साइड में, अभी ये मैंने सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको हल्की सी इसकी शेडो दिखेगी। जब वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, शेडो लेते हैं मतलब, तो ये वाली मैं चूज़ करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि हल्की सी लाइट सी आपको शेडो दिख रही होगी यहाँ पे, हल्की सी आप यहाँ पे थोड़ा मे बी कलर में, स्किन के कलर में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पे आप जज करोगे, चेक करोगे तो मूव करके देखो भी यहाँ पे शेडो आपको हल्की सी यहाँ शेडो मतलब इसके लेफ्ट वाले पोर्शन पे और बॉटम वाले पोर्शन पे हल्की शेडो यहाँ पे आ रही है। तो अब मैं शेडो के बाद उसके बाद आगे क्या आता है, रिफ्लेक्शन मतलब इसकी रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे मैं इसको डाउन डाउन पे लेता हूँ तो उसकी यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिख रही होगी पिक्चर की रिफ्लेक्शन साथ के साथ। मतलब आपको डिज़ाइनिंग वाले तो मैक्सिमम काम यहाँ पे आपको बेसिक जो बेसिक में आपको यूज़ होने चाहिए जो होते हैं वो सारे आपको यहीं पे एक्सेल पे या आपको पिक्चरों में कैसे एडिटिंग करनी सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। तो वापस यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके यहाँ पे इसके और भी दिखाता हूँ, रिफ्लेक्शन में ग्लो मतलब आपकी थोड़ा सा ग्लोइश कैसे देना। मैं इस यहाँ से शेडो इसकी नो शेडो करता हूँ और यहाँ से मैं इसका प्रेजेंट में नन कर देता हूँ सिंपल आपका। और आपकी यहाँ पे जो थी पिक्चर इफेक्ट रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन को नन कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन हटा दिए मैंने। इसके बाद ग्लो, ग्लो पे आते हैं। ग्लो में आपका आपकी पिक्चर के मतलब पूरे जो आपके बॉर्डर एरिया है या आपका कॉर्नर एरिया है वहाँ पे ग्लो आपको लगा देगा। अब सॉफ्ट एजेस क्या रहता है, सॉफ्ट एजेस में आपके जैसे एज हैं आपके जो कोने हैं इसके या आपकी जो बॉर्डर वाले एरिया है उसको ब्लर करके एक सॉफ्ट सा बना देता है। अभी यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस ही अब चेक करोगे तो सॉफ्ट सॉफ्ट से हल्के से मतलब लाइट से कर दिया इसने धीरे एकदम से फिर उसको टोटल एक एक्चुअल इमेज में लिया है। तो यहाँ पे आप एजेस को इसको सॉफ्ट कर एक रिफाइन एज करके जो एक टूल आता है वो उसी का काम यहाँ पे हो जाता है। तो जितना उसको उसके पिक्सल ज़्यादा रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये इसके एज को रिफाइन कर लेता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे लेवल ये है एक 3D सा आपको अलग से मतलब दिखाने के लिए, लेकिन ये सब चलो ठीक है। यहाँ पे उसके बाद आता है रोटेशन, है 3D रोटेशन। ये 3D रोटेशन में आप चेक करोगे कि एकदम एक ऐसे लग रहा है कि ये एक पिक्चर नहीं है, ये एक कोई पोर्ट्रेट सी है, कोई मैं एक फ्रेम के ऊपर कोई पिक्चर चिपकी लगी हुई है, ये कोई टेबल है उसके ऊपर एक फ्रेम है कि या ट्रे लगा लो ट्रे के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है। तो वो चीज़ यहाँ पे इसमें लुक वो चीज़ यहाँ पे बन जाती है, मतलब वो डिज़ाइन यहाँ पे दिखेगा आपको। अब इसको मैं वापस 3D में लेके छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद क्या रहता है, यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, आपके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कुछ कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये सीधा ब्रिंग टू फ्रंट पे लेके आएगी। कन्वर्ट करता हूँ, फॉरवर्ड पे जाता हूँ तो इसको ये सिर्फ फ्रंट पे कर दिया। अब इसको सेंड टू बैक, सेंड पे टू बैक करूँगा तो आपका जो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो फॉर्मेट जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सामने आ जाएगा। क्लियर टेक्स्ट पे नहीं काम करता, ये करता है आपका पिक्चर टू पिक्चर। अब ये पिक्चर को सेंड टू बैक कर दिया तो इस पिक्चर के बैक पीछे बैक साइड में चली गई है। अब इसको वापस फॉरवर्ड पे करता हूँ, इसको सेंड टू बैक है, अब इसको ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट करके ये आपकी दूसरी पिक्चर के फ्रंट में आ जाएगी। टेक्स्ट पे काम नहीं करता, ओनली पिक्चर टू पिक्चर काम करता है। आपके पास दो पिक्चर्स हैं तो उसको कैसे इसके साथ मैनेज करना है, इसको फ्रंट पे रखना है या बैक पे रखना है, या तीन पिक्चर है उसको मिडल में कैसे करना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ से सेंड टू बैक, सेंड टू बैकवर्ड करेगा तो बिल्कुल पीछे चलेगा, सेंड टू बैक बिल्कुल पीछे चलेगा, सेंड टू बैकवर्ड देखो मतलब स्टेप यहाँ से पीछे पीछे करते जाएंगे आप। अब इसके बाद क्या रहता है, सिलेक्ट पैनल, इसका कोई ये नहीं है तो सिलेक्ट करने के लिए सिंपल अलग अलग से पिक्चर्स को आपको यहाँ पे कौन कौन से आपको पिक्चर सेलेक्ट करनी है यहीं से आपको पिक्चर सेलेक्ट कर पाओगे। ये मैंने पिक्चर नंबर 3 पिक्चर नंबर 5 यहीं से सेलेक्ट हो रही है, मैं इसको दोनों को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ से कुछ नहीं होगा, आप यहीं से सिलेक्ट पैनल से आपका ये काम हो जाएगा। बंद कर रहा हूँ मैं, अब आगे चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड में कर देता हूँ।
अलाइन है, आपको दो पिक्चर को कैसे अलाइन में रखना है, तो वो चीज़ यहाँ पे अलाइनमेंट को, रोटेशन है आपको 90 वर्टिकल और वर्टिकल में कैसे इसको, हॉरिजॉन्टल में कैसे इसको रोटेट करना है, तो यहाँ पे वही रोटेशन है। अब इसके बाद क्रोप का है, मान लो यहाँ पे मेरा कुछ पिक्चर में कुछ हिस्सा जो मेरे को नहीं चाहिए, कुछ पार्ट है वो मेरे को क्रोप करना है, अभी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खींच के क्रोप कर देता हूँ, इसका ये क्रोप हो जाएगा, इसका साइज़ नहीं कम हो रहा है, इसका क्रोप हो रहा है। मतलब आप नॉर्मली आप इसको, मैं यहाँ पे हटा के स्टूल को यहाँ पे रखूँगा, तो अगर इसका मैं यहाँ से करूँगा तो इसका साइज़ का कम होगा, ये यहाँ से आपके साइज़ कम होगा, कंप्रेस होएगा, लेकिन मेरे को कंप्रेस नहीं करना है, मेरे को क्रोप करना है। इसमें कुछ ऐसा कोई पार्ट वगैरह वो मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को दिखाना नहीं, हटाना, उसको क्रोप करके यहाँ से मैं आपको जहाँ पे ये आप देखेंगे थिक सा एक डॉटेड सा एक थिक सा एक बॉर्डर सा बन जाएगा, उसमें थिक से छोटी सी लाइन बनेगी, तो वहीं से आपको क्रॉप कर पाओगे। मेरे को ये जो सेंटर में ये वाला जो एक फूल दिख रहा है मेरे को बस ये चाहिए, बाकी हिस्सा मैंने इसको क्रॉप कर देना है। ये आपको ऐसे यहाँ से लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सभी कोनों पे आपको ये छोटा सा एक ये बन जाएगा, एक अलग से बन जाता है, इसके ऊपर लेके जाते हो तो एक टी का, या लेफ्ट में देखोगे तो यहाँ पे भी अंदर के लिए टी का पुश करने के लिए कुछ सिंबल सा बन जाता है, तो यहीं से आप इसको आपके क्रॉप कर सकते हो। अभी यहाँ पे ये नॉर्मली इसकी हाइट वगैरह कितनी रख रही है, वापस मुझे रखूँगा तो ये जूम पे आ जाएगा, तो ये पिक्चर का साइज़ इसके अकॉर्डिंग ही बन जाएगा। तो पिक्चर जो अब इस पिक्चर वाले इसमें अब पोर्शन में बस इतना ही है, आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे इतना कुछ कर सकते हो, आप एक छोटे से डिज़ाइनिंग, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें काफ़ी कुछ बेसिक लेवल का सब कुछ इसमें मिल जाएगा, कैसे रिफ्लेक्ट करना है, शेप में कैसे रखना है पिक्चर को, या फिर एक शेडो वगैरह कैसे देनी है, उसका एज वगैरह कैसे डिफाइन करने हैं, या फिर आपको साइज़ वगैरह छोटा बड़ा क्रॉप वगैरह किसना भी। एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना भूल गया, अब मान लो इसकी रोटेशन देनी है आपको पिक्चर की, कैसे दोगे, सेट करोगे आप बिल्कुल पिक्चर के सेंटर में टॉप वाले जो टॉप वाली आपका लाइन होगी उसमें सबसे सेंटर में उस टॉप पे एक ग्रीन कलर का थोड़ा सा लाइट ग्रीन का एक सर्कल सा आता है, जब उसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो एक रोटेटिंग एरो सा उसमें एक आपका कर्सर बन जाता है, तो वो होता है आपको रोटेट करने के लिए। यहाँ से आपको किस कौन किसी भी एंगल में किसी भी डिग्री में आपको 95 डिग्री पे रखना है, जितने भी जिस भी आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप चाहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको रोटेट कर सकते हो, जितने भी आपको आप रोटेट करना चाहते हो अपने हिसाब से। तो ये चीज़ है, आप बस पिक्चर वाला जो पोर्शन है हमारा बस यहीं पे ही कंप्लीट होता है, क्योंकि इसी में सब कुछ आपका आगे ब्राइटनेस से लेके साइज़ वगैरह सारी साइज हो गया, फ्रंट टू बैक टू सब इसको ब्रिंग कैसे सब कुछ हो गया, बॉर्डर शेप वगैरह सब इसी में पिक्चर में कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सब कुछ कर सकते हो पिक्चर के साथ। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आपको जैसे मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।